हेलो माय यूट्यूब फैमिली, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। मैं एकदम बढ़िया। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद माय अनदर व्लॉग। तो कल है मेरा मैथ्स का पेपर। नो सॉरी, कल नहीं, आज, क्योंकि अब बज रहे हैं सुबह के 5। देखो, और मैं रात के 12 बजे से पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरे पास थे 2 दिन पढ़ने के लिए। पहले मैंने नहीं पढ़ा तो पेपर से पहले 2 दिन, और इट्स फाइनल पेपर, तो मेरे पास 2 दिन थे जिसमें से मेरा एक दिन बर्बाद हो गया था क्योंकि मेरे आ गए थे पीरियड्स और फर्स्ट डे मेरे बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं बेड पे लेटी हुई थी और मैंने कुछ नहीं कर पाया, तो वो फर्स्ट डे ऐसे निकल गया। देन सेकेंड डे जो मेरे पास था, जैसे कल का दिन, तो कल का दिन भी मेरे सेकेंड डे था, तो फिर मेरे कमर में पेन होने लग गया और उस टाइम पर सिर्फ मैं 2 चैप्टर कर पाई, चैप्टर 3 यानी कि ट्रिगो और लिमिट्स एंड डेरिवेशंस, एंड बस यही 2 करे थे। उसके बाद मैंने सोचा आज रात में बैठ के मेरे को करना है, तो मेरे टोटल आई थिंक सो 13 चैप्टर आ रहे हैं जिसमें से मेरे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हैं, नहीं 14 चैप्टर आ रहे हैं और 9 कंप्लीट हैं, 4 अभी भी बचे हैं जिसमें से 2-3 के मेरे को बस फॉर्मूले याद करने हैं, तो अब मैं वो करूँगी। बस मेरे पास अब 1 घंटा है क्योंकि 6 बजे स्कूल है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं 12 बजे से पढ़ रही हूँ, शायद मैं अभी उठूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 12 बजे से ही पढ़ रही हूँ। बस मैंने उस टाइम पर ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा अब बनाते हैं आज का पूरा दिन, क्योंकि मैंने फिर ये सोचा था कि आज का पेपर देख के फिर मैं सूरजकुंड जाऊँगी तो आप लोग को वो दिखाऊँगी, तो मैंने सोचा अभी से ही शुरू कर देते हैं। बट मेरे ख्याल से मेरी नींद पूरी नहीं होगी, उस चक्कर में कल का प्लान कैंसिल भी हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी बस मेरे को क्या करूँगी, मैं इसके फॉर्मूले याद करूँगी और 1 घंटे की अगर मैं नींद ले पाई तो ठीक है, नहीं तो आज बस में सोएंगे हम। वैसे मैं डेली बस में सोती हूँ, आते वक्त भी जाते वक्त भी। तो अब इसके फॉर्मूले वगैरह याद करके 6 बजे फिर रेडी वगैरह होंगे और कॉफ़ी पी के जाऊँगी आज मैं। स्कूल में भी सोच रही हूँ कॉफ़ी ले जाती हूँ क्योंकि बहुत नींद आएगी मेरे को लग रहा है आज, पेपर देख के जल्दी जल्दी आके थोड़ा रेस्ट करके फिर सूरजकुंड जाएंगे। और अभी पढ़ रहे हैं, मेरा एक फ्रेंड है पार्थ, वो भी सुबह तक अभी तक पढ़ ही रहा है, तो उसने भी कहा था कि आज मैं पूरी रात पढ़ूंगा। मैंने कहा हाँ यार, मैं भी आज पूरी रात ही पढ़ूँ क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा, तो वो भी अभी तक पढ़ रहा है और मैं भी अभी तक पढ़ ही रही हूँ। मैंने उसको मैसेज करा था, वो भी शायद अभी तक नहीं सोया, तो करते हैं बस इतना करके होपफुली पास हो जाएं। कैसे कह रही हूँ यार, मैं अब इतना पढ़ रहे हैं तो पास तो हो जाना चाहिए यार, भगवान जी पास करा देना प्लीज़। इतना पढ़ा है सुबह तक और अभी भी मेरी जो कमर दुख रही है और जो पेट दुख रहा है ना, कुछ नहीं कह सकती। देख लो गाइस, बहुत मेहनत करती मैं पढ़ने के लिए। तो गाइस 6 बज चुके हैं, लाइक 6:05 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मेरे को बाल भी धोने हैं, बाय, क्योंकि मेरे को बाल भी धोने हैं। और बस अभी मैं ब्रश करके आई हूँ, मैं जाऊँगी नहाने फिर मिलते हैं। मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, सी माई डार्क सर्कल्स बहुत बुरी तरह आ गए। कॉफ़ी बनाएंगे, नहाने के बाद कॉफ़ी पियेंगे, बाल ड्राई करेंगे, रेडी होके चलते हैं स्कूल। सो आई एम रेडी, मतलब मैंने ये स्कूल का ट्रैक सूट पहन लिया क्योंकि जो वाली ड्रेस है स्कर्ट वाली वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लगती मेरे को, ये ज़्यादा लगती है, तो मैंने ये पहन लिया। और मैंने हेयर वॉश नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ठंडे ठंडे पानी से हेयर वॉश कर लूँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहीं करती, इसलिए मैंने नहीं धोए। अभी ऐसे ही ऑयल लगा रखा बाल में, फिर जब घर आऊँगी वापस तब धोऊँगी। अभी ऐसे ही चलते हैं, मतलब अभी कॉफ़ी बना के पीऊँगी, थोड़ा सा जो होगा रिवाइज करूँगी, बादाम खाऊँगी, याद रहे, चलते हैं फिर। मैं आ गई स्कूल से पेपर देके और काफ़ी अच्छा पेपर हुआ, मतलब लाइक पास हो जाऊँगी, डरने वाली बात नहीं है।
और मैंने हाथ मुँह वगैरह धो लिया और मैंने फिर ये जैकेट पहन ली, नीचे लेगिंग डाली रखी थी, अंदर सैंडो है। और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और सूरज कुंड का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मम्मी दिशा के ससुराल जा रही हैं, मम्मी मासी वगैरह, तो मम्मी कह रही हैं आज मत जाओ, साथ में चलेंगे। और मेरे को वैसे भी बहुत नींद आ रही थी तो सोचा ला रही हूँ, नींद पूरी कर ली जाए, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, और फिर वीडियोस वगैरह बनाएंगे और अभी करूँगी मम्मी को तैयार। कहीं पर भी जाना होता है मम्मी का मेकअप मैं ही करती हूँ। गाइस मम्मी कहीं, मैं घर में अकेली, अब अकेली कुछ नहीं है, मम्मी काम सौंप के गई हैं। कह रही थी तेरे को सोफे के कवर बिछाने हैं, पीछे मशीन में से कपड़े सुखाने हैं और जैकेट्स वगैरह सारी अब अंदर रखने हैं क्योंकि ठंड चली गई है। और अब खोलते हैं ये, लेट्स ओपन इट। और अभी शायद माइक्रोवेव चेक करने आएंगे भैया एक, लाइट तो आई नहीं रही, एक मिनट पापा को फोन करना पड़ेगा, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। विथ चीज पिज्जा स्टाइल फिलिंग, मतलब ये शेप इसकी थोड़ी समोसे जैसी होगी लेकिन जिसके अंदर फिलिंग है वो पिज्जा की फिलिंग की तरह है। ओके चलो इसे ट्राई करते हैं, बट उससे पहले गाना चलाएंगे। मेरे को जाना पड़ा मामी के यहाँ क्योंकि
मामी और मम्मी वगैरह वहीं गए हैं दिशा के ससुराल, और मैडी को घर पे अकेले छोड़ के गए हैं। वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था और लाइक मामा के जूते ले लिए थे और वो उसे काटने लग गया था, तो इसलिए मेरे को ये बीच में रोक के जाने पड़े, बट मे बी ये हो चुके हैं। हाँ, लेट मी शो यू। ओह शिट, ओवन ठीक करने वाले भैया आ गए। अभी तो मैं आई थी जस्ट घर पे। इट्स ओके, मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही और मैं हेयर ड्रायर नहीं कर सकती अपने। शिट, मेरे पैसे लेके घूमना पड़ेगा थोड़ी देर, जब तक हम रेडी होते हैं, क्योंकि हमें बनानी है वीडियो। मैं थोड़ी देर ऐसे लेट गई थी क्योंकि मेरे बैक पेन हो रहा था बहुत, और मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। ऑफकोर्स आएगा आलस, क्योंकि मैं सोई नहीं थी रात में और मैं अभी भी सोई नहीं हूँ, क्योंकि फिर मैंने ये सोचा अगर मैं अभी सो जाऊँगी ना तो मैं 4 से 5 घंटे पहले नहीं उठने वाली, फिर मेरे को रात में नींद नहीं आएगी। तो बेटर कि हम रात में सोएं सीधा और अच्छी नींद लें। अभी डिसाइड करते हैं व्हाट टू वियर, तब तक ये बाल शायद थोड़े ऐसे ही सूखेंगे और इनको फिर, मुझे ऐसे बहुत अजीब लगता है लाइक गीले बाल, वेट हेयर्स, तो नथिंग टू वियर नाउ। मतलब है बहुत कुछ बट सब में वीडियो बन चुकी हैं। नया कपड़ा मांगता यार, अकेले घर पे क्या करूं। चलो आज बाहर चलेंगे वीडियो बनाने, तो उस हिसाब से हमारे पास 15 से 20 मिनट है रेडी होने के लिए, क्योंकि धूप चली जाती है। तो 15 से 20 मिनट में रेडी होके मिलती हूँ मैं श्रृंगार करके। पागल, हम बिजनेस हब आ गए वीडियो बनाने। ये मेरी वीडियो बनाएगा एज यूजुअल, ये और मेरी एक बहन है वो बनाती थी। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं वॉशरूम, क्योंकि मेरे को चेंज करना है। मैं जीन्स डाल के आई थी बिकॉज मेरे को स्कूटी चलानी थी। हाँ, बाप का ऐसे ही इस साइड आने वाली है, लेकिन मैं ऊपर जाऊंगी। यार ये ज्यादा तेज चल रही है। नाव का पीछे, हाउ ब्रो, कैसे? ओ नाइस, ऐसा तो घुमा रहा है और कुछ नहीं है। अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं, और अगर धूप चली गई निश्चल तो धूप फिटेगा। और मेरी रील इतनी बुरी बनी है ना, इतनी बुरी, क्योंकि धूप चली गई थी और ना प्रॉपर वो जैसे शाम होती है रात वो भी नहीं थी और धूप भी नहीं थी, तो बहुत बुरी बन रही थी। तो एक आधी अच्छी बनी भी है, नहीं पता नहीं, फिल्टर लगा लेती हूँ, अब देखूंगी और वो करूंगी, एडिट करूंगी, देन फिर मेरी आँख में कुछ चला गया। और अभी मैं पी रही थी ये, और अंकल चिप्स खा रही थी। अंकल चिप्स मैंने खा के खत्म कर दिए। खत्म कर दिए, बड़ी फास्ट है। इसकी मैं ASMR से भी कर रही, मैं पी गई सारा, मैं सारा पी गई यार। तनु एक घूट बिकाली मैं, कल जाऊंगी दोबारा शायद। बच्चे कहते हैं कैदिया यू आर माय सोनिया। कल डांस की रील बनाऊंगी, ऐसी वाली रील मेरे पे अच्छी नहीं, सूट नहीं करती। डांस की रील बनाएंगे हम। और क्या कह रही थी मैं, अब देखते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाऊंगी, वापस से वही तल लूंगी थोड़े से बच्चे थे। कितनी जल्दी बोली, वही तल लूंगी, फ्राई कर लूंगी, और रोस्टेड चिकन भी खा लेंगे, एंड फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिजिकल, हाँ फिजिकल भी पढ़नी पड़ती है। योगा, योगा नहीं आते मेरे को वो आसन, आसन उनमें प्रोसीजर लिखो, उनमें बेनिफिट लिखो, सब लिखना पड़ता है ना, इसलिए याद करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। फिजिकल भी डिफिकल्ट है थोड़ी बहुत, तो फिजिकल को अगर तुम फिजिकली पढ़ोगे तो तुम इतनी जल्दी बस तू रहन दे। हाँ
मेरे फिजिकल में, क्योंकि तेरे उसमें उसमें सबसे ज्यादा अच्छे आते थे ना, बस उसी में पास होती थी बस इसीलिए पागल है ये। तो Do you want to eat chips? No, I don't want to eat chips. मैं वो ये खा ले पहले। चलो गाइस चलते हैं, फ्राई करेंगे उसे, भूख लग रही है, खाएंगे फिर पढ़ने बैठेंगे थोड़ी देर, फिर चैन की नींद सोएंगे आज। मिलते हैं। ज्यादा नींद आ रही है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा। हाँ थोड़ा सा पढ़ के एक चैप्टर करके मैं सोचूंगी। तो ये था मेरा अ डे इन माय लाइफ। पूरा दिन सॉरी पूरी रात में जगी मैथ्स के पेपर के लिए। इट्स ओके, पहली बार कर लिया, ये भी एक्सपीरियंस, आदत पड़ जाएगी अब। और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है। तो बस इतना ही था मेरे ब्लॉग में और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।